हमने सपा का तो रिएक्शन देख लिया, आप लोगों का क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए निशान जी, मैं साफ साफ इस पर यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के मद्देनजर ये फैसला इन्होंने लिया है और मेरे ख्याल से बहुत देरी कर दी। जनता इनके सारे तंत्र को समझ चुकी है और ये आप ही के चैनल में भी चल रहा है कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को मंत्री बनाए। इसे साफ आपने भी अभी साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि मैं नहीं ज्यादा उसमें जाऊंगा। आपको बेहतर पता है जब भारतीय जनता पार्टी को 5 साल का बहुमत की सरकार बनी उसने कोई काम नहीं किया, जनता के वोटों को लेकर सिर्फ ठगने का काम किया। तो उसको एक मैनेज करने के लिए सिर्फ एक मंत्रिमंडल में 3 महीना 4 महीना पहले ये देना, ये साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके में जनता में कोई काम नहीं हुआ है। मैं इससे बेहतर होता अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता को 4 महीने से नहीं, लेकिन देखिए मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूँ, कम कर देती, मुझे एक चीज मैं आपकी एक चीज जानना चाहता हूँ। आपने अच्छा पॉइंट रखा, देखिए जो कॉम्बिनेशन इन्होंने हिट किया है, जो कॉम्बिनेशन हिट किया है उस कॉम्बिनेशन पर तो आपकी सरकार को, आपकी पार्टी को हमेशा से वोट मिले। मैं देख रहा हूं कि इस पे हल्ला सपा ज्यादा मचा रही है और आप लोग बहुत शांत मुद्रा में, इसकी क्या वजह है? नहीं, हम लोग शांत इसलिए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टियों या भारतीय जनता पार्टी ये नेता के पीछे भागती है कि उन्हें दे दो, जो भी कैबिनेट मंत्री बना दो, राज्य मंत्री बना दो, तो वो मैनेज हो गया। हम उस जनता के में जाते हैं जहां से असल वोट मिलता है, जहां पे असली परेशानी होती है, उन बीच में हम जाके चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है निशान जी कि 2022 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी 2007 के तर्ज पे फुल बहुमत की सरकार आ रही है। आपने अपने आप बोल दिया भाई साहब, कितना भी कर ले, आपने अपने आप बोल दिया, आपने अपने आप बोल दिया, ये नेता के पीछे जाते हैं और आप क्या सब माया है, आप क्या सिर्फ माया है और मायावती देवी है और कुछ नहीं है? आपने अपने आप बोल दिया, मैं क्या बोलूंगा, मैं सीधे दलित पिछड़े वर्ग के जनता में जाएंगे। ठीक है, पॉइंट देखिए, मैं कॉर्नर नहीं करूंगा आपको, मैं बिल्कुल कॉर्नर नहीं करूंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं बताऊंगा तो जरूर आपको बात। अक्कू जी, आपने अभी अभी ज्वाइन किया है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही अक्कू जी, और इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, कहीं से नहीं मिल पा रहा है। जून में योगी जी आए थे, जुलाई निकला, अगस्त निकला, सितंबर, अभी ऐसा कौन सा डेस्परेट मेजर आ गया कि अभी ही करना है? और इतने दिन बीत गए तब क्यों नहीं किया? ये सारे लोग तो तब भी थे। देखिए, जहां तक सवाल है कि अभी का करने का, अभी समय जातिगत मतगणना को, जातिगत गणना को लेकर के बहुत केंद्र ने स्पष्ट कर दिया है कि वो कोई विचार नहीं करने जा रहा। उसके जो संगी साथी थे वो भी उससे थोड़ा बहुत नाराज है, चाहे वो जेडीयू है या और अन्य दल है, बीजू जनता दल ने भी इस पर थोड़ी सी आपत्ति करी है। तो इस जब ये स्पष्टता हो गई तो उसके बाद उनको ये पक्का था कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इस समय बहुत क्रूशियल चुनाव होने जा रहा है, वहां जो कुछ ये जिन जातियों के लिए लेकर के बातचीत होती है या जो अभी इनके पास जातियां हैं, जो जाति के लोग हैं या उनका समर्थन उन्हें प्राप्त है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो चाहे ओबीसी हो, तो और जहां तक ब्राह्मण की बात की जा रही है, तो वो जितना इनको संतुष्ट किया जा सकता है वो एक प्रक्रिया में है और आखिरी वक्त पे जो आपके पास बचा कुछ वही मिलता है, तो वो दिया गया है, संतुष्ट करने की कोशिश है। बाकी इससे कोई बहुत बड़ा प्रभाव होगा, बहुत बड़ा असर होगा, मुझे नहीं लगता। जो कुछ असर होगा वो योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की जोड़ी का होगा, उनके कामकाज का होगा और विपक्ष की कमजोरियों का होगा। ठीक, इससे ज्यादा असर और अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।